अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन और आप देख रहे हैं सच न्यूज़। देखते हैं आज की अहम खबर। आने वाली ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में सच न्यूज़ की जानिब से आप सभी को। इस बार हमारे शहर हैदराबाद में ईद उल अदा को बकरीद की ईद भी कहा जाता है। बकरीद ईद के इस मौके पर जानवर क्या हिसाब में बिक रहे हैं, जानवर का क्या रेट है, हम आपको एक खसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं और अदबन गुजारिश करते हैं हमारे हिंदुस्तान के कानून का पालन करें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के कानून में गाय को काटना मना है। हम सभी इसका पालन करें, हम सभी इसका आदर करें, हम गाय को ना काटें। रहा सवाल बैल बकरा आप काट सकते हैं, आइए इस बात जानवर के क्या रेट है शहर हैदराबाद में कि हमारे नुमाइंदे शेख रहमत की खसूसी ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। सब ये कहाँ का जानवर है? पूरा टिप्पर का माल है सर। टिप्पर का माल है, पैसा मतलब पैसा जोड़ी बेच रहे आप इसको? 32,000 रुपये 30,000 रुपये 32,000 30,000। तो जानवर मतलब अभी मार्केट में देता कि ज्यादा है कम है? अभी नहीं, अभी तो फिलहाल तो कम है मार्केट में। अभी देता है कि 3 दिन है अभी जानवर के लिए आने के लिए भी, तो क्या माल अभी आ सकता है ज्यादा? अभी नहीं आएगा, अभी तो बहुत माल आएगा, बहुत माल आएगा। आप कितने लेके आए थे? आप? मैं 30 लेके आया था। सेल कैसा है आपका? अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, शाम में 7 बकरे चले गए जी। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। वालेकुम, आप जैसा कि जान सकते हैं ये हमारा जानवर है उत्तापल्ली नाइस पलखनुमा में है। ये जो है सो इसका रेट हम 80,000 पे लगाए हैं और इसकी मार्केट बहुत चल रही है। इसको देखने के लिए बारकस से बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जानवर कैसा है। इसकी खूबी इतनी है कि ये कुछ नहीं कर सकता जानवर, मासूम जानवर है। ये कहाँ से लाए भाई? ये जहराबाद का है। ये लाने में कोई तकलीफ हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अलबत्ता राजा सिंह भी इसमें बहुत आ रहा था, राजा सिंह गाड़ी भी रोक लिया था हमारे परसों जहराबाद के बाजार में, लेकिन 5,000 रुपये में गाड़ी छूटी। ये जानवर उसी दिन का था, जानवर को लाने में थोड़ा तकलीफ हुई। तो रिश्वत लेके आपका जानवर छोड़े? रिश्वत लेके जानवर छोड़े जी। जैसा कि पुलिस बोली के बाइल काटने में कोई तकलीफ नहीं, नहीं, आप नहीं। काट सकते बोल रहे आप? पुलिस भी थी वहाँ पर, लेकिन कानून टाइट था, लाने में बहुत परेशानी हुई हमको। राजा सिंह गाड़ी रोक दिया था, 2 घंटे गाड़ी रुकी हुई थी हमारी। गाड़ी ठीक 2 बजे वहाँ से निकली थी, आए तक 6 बज गए, उसको 6 बजे गाड़ी उतारे हम। ये आए तक बहुत परेशानी हुई, राजा सिंह गाड़ी रोक लिया था इसकी, 12 जानवर थे गाड़ी में। हालांकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है गाड़ी में DCM में 12 जानवर आ सकते, बल्कि 12 जानवर ही थे इसके अंदर, लेकिन राजा सिंह ने गाड़ी रोक लिया।
उसे बैल काटो बोल के बोल रहा है, लेकिन वो गलत बात है। ये जानवर बकरी का कैसा भी जानवर रहें दो, अच्छा शानदार काटते, आपको तो मालूम ही है बकरीद में कैसा जानवर कटता है। सो अच्छा, इसका सेल मतलब इस बार बकरीद में बैल वगैरह सेल कैसा चल रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो करम है, सेल बहुत अच्छा चल रहा हमारे पास। डेली 15-20 जानवर बिकते हैं हमारे पास, पूरे जैसे जहराबाद के हम अकन गोल जानवर है पूरा, अब पूरा बाजार में जैसे एवन अपने पास ही जानवर है पूरी जगह। अच्छा, 250 साल से ये बार जानवर ज्यादा आया या कम आया? जानवर तो कम आया, लेकिन इतना शानदार जैसा कि आप ये जानवर देखे ना, ऐसा जानवर कहीं पे भी नहीं है, आप देख सकते है पूरे उट्टापल्ली में जानवर नहीं है ये ऐसा। शुक्रिया भाई, सच न्यूज से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ये महबूब नगर का जानवर है सर जी। कितने साल का है ये? 2.5 से 3 साल का है सर। इसको क्या रेट में जी सर? ये 20,000 रुपये का एक है सर। जी अगर नहीं, 20,000 रुपये नहीं साहब, इसका जो मुआवजा है मेहनत के हिसाब से कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि इसका मेंटेनेंस वगैरह जी 2.5 से 3 साल मेहनत करने के बाद जब 20,000 रुपये आ रहे हैं। तो आपका खुद पे फार्म की है या आप जो है बाहर से? जी नहीं, फार्म कर रहे हैं तो जी। कितने जानवर थे आपके पास? मेरे पास 68 थे सर। जी हाँ जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल फहीम हूँ, हम लोग तवक्कल फार्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टॉक जो है हम लोग एवरी ईयर यहाँ पे लगाते हैं, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक जो है ना अच्छा है हमारे पास, पहले से भी बेहतर है। और अभी जो माल लेके आए हम लोग, ये सब महबूब नगर के आगे मोहम्मदाबाद करके गाँव है, वहाँ पर हमारे फार्म्स है, जहाँ पे हम लोग जो है ना फार्म्स में जो है ना बकरा पालते हैं और वहीं से हम लोग लेकर आते हैं हर साल और बेचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक अच्छा है हमारे पास। आइए आप लोग देखिए, गौशाला के पास शमशेरगंज रोड मॉडल टाउन कॉलोनी के रास्ते पे हम लोग ये लगाए हैं। ये जो स्टॉक है इंशाल्लाह और भी स्टॉक जो है ना आएगा, अभी 300 बकरा और आने वाला है अभी ये स्टॉक मूव होने के बाद बारिश की। अभी जो रेट बोल रहे हैं आप वो ज़्यादा नहीं है आपको जो आप जो रेट बोल रहे हैं सब? ऐसा है ना साहब, रेट जो है मार्केट में स्टॉक कम है, लाइव स्टॉक जो है ना एकदम कम है, और कॉस्ट लेबर कॉस्ट जो है ना सराउंडिंग एरियाज में लेबर कॉस्ट तेलंगाना में बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट बढ़ रहा है मार्केट में। जैसा कि 2 दिन है अभी ईद के लिए, तो उस मौके पे और माल आने के अंदाजा कैसा है? नहीं, माल आने वाला है क्योंकि बारिशें हैं, बारिशों की वजह से माल रुका हुआ है,
आसपास के एरियाज में साइक्लोन है, वहाँ से माल नहीं आया। जैसा केरला है, केरला में तूफान आया, नागपुर में तूफान आया, जिसकी वजह से माल कम आया, अभी शहर में पहले की तरह आया नहीं। जो लोग माल खरीद कर बेचते हैं, हम तो फार्मिंग करते हैं, हमारे खुद के फार्म के हैं, जो लोग माल खरीद के बेचते हैं वो लोग का माल, वो लोग अभी ख़रीदना मुश्किल हो गया क्योंकि माल महंगा हो गया। तो ये जो फार्म्स के हमारे हैं वो हम लोग लेकर आकर बेच रहे हैं और वाजबी दामों में बेच रहे हैं। जैसे कि हमारे पास आप देखिए 16,000 रुपये और 20,000 रुपये जोड़ी, यानी 16,000 से लेकर 20,000 तक की जोड़ी वाला माल हम लोग बेच रहे हैं। इस बार कुछ बकरों में बीमारी वगैरह जैसा, इसके बारे में क्या बोलना है आपका? नहीं, अभी बीमारी जो हमेशा होती थी अभी इस बार नहीं है, क्योंकि मानसून थोड़ा डिले हो गया अपने पास, उसकी वजह से जंगलात में जो है ना बारिश वारिश नहीं होने की वजह से अभी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं है, यही नहीं है, तमाम शहर है हैदराबाद में जितने भी है वहाँ पर कहीं भी कोई बकरे को कोई बीमारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया बहुत। भाई कितने में बेचे भाई अभी? अभी 8,500 चले गया भैया। 8,500 भाई ये कहाँ का जानवर है जो आप जो ये राजस्थान के बॉर्डर का है, जैसलमेर बोल के एक बॉर्डर लगता है वहाँ का है ये। तो क्या रेट में बेच रहे हैं आप? क्या ये 9,000 रुपए का बकरा है चाली? आपको पूरी मार्केट में ये बकरा नहीं मिलेगा। ये हाँ भाई, क्योंकि मैं पूरा देख रहा हूँ भाई, आपके पास एक स्पेशल दिख रहा है ये 600 रुपए, मतलब ये माल जैसा कि मार्केट में आज तक नहीं देखी है। आज तक नहीं, ये पिछले साल भी लाया था मैं, इस साल भी लाया मैं जी। और दुम्बे भी है, राजस्थान के दुम्बे है मेरे पास जी। तो आप ये 8,000 रुपए में बेच रहे हैं जी? शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।